तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आप सबका वेलकम हमारी YouTube चैनल SP Tech Offline में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आप सबके लिए लेके आ गए हैं एक और न्यू कंप्यूटर ट्यूटोरियल पार्ट 2, जिसमें आज हम बताने वाले हैं NVDA बेसिक सेटिंग फॉर द ब्लाइंड यूजर। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी NVDA के ऊपर होने वाली है, जिसमें आज हमने बताया है NVDA की कुछ सेटिंग और NVDA मेन्यू के बारे में। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल वीडियो को लाइक करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक करें, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फ्रेंड वीडियो को करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे अबाउट पेज में जाके व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, और नीचे हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करके बताएं अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, और जो भी हमें व्हाट्सएप पर बताता है कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर लानी चाहिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका यूट्यूब चैनल भी रहेगा तो हम आपका यहाँ पर यूट्यूब चैनल का नाम भी अनाउंस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं हूँ आपका दोस्त श्रीकांत। चलिए दोस्तों स्टार्ट टॉगल बटन नॉट प्रेस्ड अपने NVDA में, और आप सबको बताते हैं NVDA के बेसिक सेटिंग। और शायद दोस्तों ये फर्स्ट वीडियो ही होगी जो मैं आपको फुल सेटिंग हिंदी में बताने वाला हूँ NVDA की। मैंने तो अभी तक नहीं देखी, आपने देखी हो तो बताना मुझे कमेंट करके। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने NVDA सेट NVDA मेन्यू में। तो सबसे पहले आपको NVDA मेन्यू में जाने के लिए इंसर्ट एंड प्रेस करना होगा। जैसे कि आप जॉज वगैरह यूज करते हैं, जॉज में आप इंसर्ट जे या फिर कैप्स जे करते हैं, तो यहाँ पर हमें इंसर्ट एन करना है, ठीक है। NVDA मेन्यू, तो मैंने इंसर्ट एन किया तो NVDA मेन्यू हमारा यहाँ पर ओपन हो चुका है। और फ्रेंड यहाँ पर आज हम इसकी पूरी सेटिंग बताने वाले हैं आपको, पूरी तो नहीं बट थोड़ा बहुत बेसिक सेटिंग जो आपके काम में आने वाली है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए हम और जानते हैं। प्रेफरेंसेस सब मेन्यू पी, यहाँ पर आपको प्रेफरेंसेस मिल जाएगा, ये भी आपको बाद में हम बता देंगे। टूल्स सब मेन्यू टी, टूल्स मेन्यू इसको भी हम छोड़ देंगे, ये भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हेल्प सब मेन्यू एच, हेल्प मिल जाएगा, हेल्प से जाके आप अपडेट वगैरह कर सकते होंगे। कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल्स डॉट 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 सी, प्रोफाइल मिल जाएगा। रिवर्ट टू सेव कॉन्फ़िगरेशन आर, रिवर्ट टू सेव कॉन्फ़िगरेशन, रीसेट कॉन्फ़िगर, सेव कॉन्फ़िगरेशन एट, रीसेट कॉन्फ़िगरेशन टू फैक्टरी डिफॉल्ट्स आर, फैक्टरी डिफॉल्ट ये जो सेव कॉन्फ़िगरेशन एस, सेव कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा प्रोनंसिएशन में थोड़ा दिक्कत हो रही है फ्रेंड। डोनेट डी, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर डोनेट मिल जाएगा। एग्जिट एक्स, एग्जिट एग्जिट, ठीक है, तो एग्जिट भी कर सकते हैं आप, यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं NVDA को, ठीक है फ्रेंड। चलिए हम इसकी बेसिक सेटिंग जानते हैं। प्रेफरेंसेस सब मेन्यू पी, आपको इसकी सेटिंग में जाने के लिए प्रेफरेंसेस में एंटर सेटिंग्स डॉट 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 एस, तो यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया। स्पीच डिक्ट पंक्चुएशन इनपुट जेस्चर्स डॉट डॉट पंक्चुएशन इनपुट वोकल सेटिंग्स डॉट 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 स्पीच डिक्ट पंक्चुएशन इनपुट जेस्चर्स पंक्च स्पीच सेटिंग्स डॉट 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 एस स्पीच पंक्चुएशन स्पीच डिक्शनरी पंक्चुएशन स्लैश सिंबल प्रोनंसिएशन डॉट 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 इनपुट जेस्चर्स डॉट डॉट वोकलाइजर ऑटोमेटिक लैंग्वेज वोकलाइजर ऑटोमेटिक लैंग्वेज सेटिंग्स डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर हमें सेटिंग में जाना है, ठीक है फ्रेंड। चलिए हम सेटिंग में चलते हैं और बेसिक NVDA सेटिंग्स कोलन जनरल, देख सकते हैं आप हमारी सेटिंग खुल चुकी है जनरल 1 ऑफ 13। तो हमें सबसे पहले आता है जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में हम आपको दिखाएंगे क्या क्या ऑप्शन हमें मिलते हैं और किस किस को ऑन करना है, ये क्या काम के हैं। तो दोस्तों ये आपकी फर्स्ट बेसिक सेटिंग है और इसको जानना जरूरी है अच्छे से, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए हम यहाँ पर आपको इसके अंदर जनरल के अंदर जाने के लिए आपको टैप प्रेस करना होगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए हम टैप प्रेस करते हैं यहाँ पर 1 2 3 जनरल प्रॉपर्टी पेज। NVDA लैंग्वेज लेफ्ट पैरेन रिक्वायर्स रीस्टार्ट राइट पैरेन कोलन कॉम्बो बॉक्स यूजर डिफॉल्ट कोलैप्स्ड ऑल प्लस एल। तो यहाँ पर NVDA मेन्यू, जिस भी आप उसमें लैंग्वेज में NVDA मेन्यू यूज करना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद देख लेते हैं टैप प्रेस करना है आपको। यहाँ पर मैंने तो यूजर डिफॉल्ट कर रखी है, आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। सेव कॉन्फ़िगरेशन व्हेन एक्सिटिंग NVDA चेक बॉक्स चेक्ड ऑल प्लस एस, सेव कॉन्फ़िगरेशन NVDA एज
एग्जिट, तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, मैंने तो ऑन कर रखा है। जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। शो एग्जिट ऑप्शंस व्हेन एग्जिटिंग NVDA चेकबॉक्स चेक्ड ऑल प्लस W। सो एग्जिट ऑप्शन व्हेन एग्जिटिंग योर NVDA, तो इसका मतलब ये है जब भी आप इंसर्ट क्यू करते हैं अपना NVDA एग्जिट करने के लिए, बंद करने के लिए, वो नो एस का ऑप्शन दिखता है, तो आप वहां पर नो एस ऑप्शन ना दिख के डायरेक्ट इंसर्ट क्यू करेंगे तो आपका NVDA एग्जिट हो जाएगा। तो फ्रेंड सेट शो एग्जिट ऑप्शंस व्हेन एग्जिटिंग NVDA चेकबॉक्स चेक्ड ऑल प्लस W। तो आप यहां से इस पर स्पेस प्रेस space. करके स्पेस प्लेस शो एग्जिट स्पेस प्लेस शो एग्जिट ऑप्शंस व्हेन एग्जिटिंग NVDA चेकबॉक्स नॉट चेक्ड ऑल प्लस W। तो यहां पर नॉट चेक चेक space. आपकी मर्जी आप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हमें मिलता है प्ले साउंड्स व्हेन स्टार्टिंग और एग्जिटिंग NVDA चेकबॉक्स चेक्ड ऑल प्लस P। प्ले साउंड स्टार्टिंग एंड एग्जिटिंग NVDA, तो ये हमारा चेक है, आप भी चेक कर सकते हैं, नॉट चेक भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। स्पेस देखिए ये मैंने लॉग इट डिसेबल्ड इन्फो डिसेबल एक मिनट फ्रेंड इन्फो सर्च विंडो ओह सॉरी फ्रेंड NV preference exit at preferences sub settings dot 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 s NVD general pro save show exit options when exiting NVDA checkbox checked alt play sounds when starting or exiting NVDA checkbox checked alt plus p तो यहां पर प्ले साउंड इसको आप नॉट चेक चेक कर सकते हैं, ठीक है फिर हमने check. फिलहाल चेक रखा। लॉगिन लेवल कोलन कॉम्बो बॉक्स इन्फो कोलैप्स्ड alt plus o लॉगिन लेवल आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने इन्फो रखा है, ठीक है। और उसके बाद हम दिखा देते हैं आपको स्टार्ट NVDA आफ्टर आई साइन इन चेकबॉक्स चेक्ड ऑल प्लस अ आपका NVDA जैसे ही स्टार्ट हो, आपका लैपटॉप जो भी है कंप्यूटर, तो आपका NVDA स्टार्ट हो क्या, तो आप यहां पर स्टार्ट NVDA आफ्टर आई साइन ऑन दोनों नॉट चेक चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने Space. यहां पर Not checked. Not check है. Space. चलिए check कर देते हैं. Check. Check कर लिया. ठीक है friend. ये check पहले से था. मैंने not check आपको करके दिखाया. ठीक है हम. चलिए और देखिए. Use NVDA during sign dash in left paren. Requires administrator privileges right paren. Checkbox checked. तो दोस्तों जहाँ भी आपको password वगैरह मांगता है NVDA, मतलब जहाँ भी laptop में आप password वगैरह या फिर computer में डालते हैं कोई भी password आता है, आप वहां पर डालते हैं तो क्या आपका ये NVDA बोले वहां पर रीड करे, तो मैंने स्टार्ट एंड यूज NVDA स्पेस नॉट चेक्ड नॉट चेक कर दिया, चलिए चेक कर लेते हैं चेक्ड, आप नॉट चेक या चेक रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। यूज करंटली सेव्ड सेटिंग्स ड्यूरिंग साइन डैश इन एंड ऑन सिक्योर स्क्रीन्स लेफ्ट पैरेन रिक्वायर्स एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस राइट पैरेन बटन, तो इसको हम छोड़ देंगे, कैप्स लॉक ऑफ, ठीक है फ्रेंड। ऑटोमेटिकली चेक फॉर अपडेट्स टू NVDA चेकबॉक्स चेक्ड ऑल प्लस U। तो दोस्तों क्या आपका NVDA ऑटोमेटिकली अपडेट चेक करे? स्पेस तो बिल्कुल करे, नॉट चेक्ड तो मेरा तो नॉट चेक कर दिया मैंने। अगर आपके पास वाईफाई लगा हुआ है तो स्पेस चेक कर दीजिए, मेरे यहाँ तो भाई वाईफाई है तो मैं इसको चेक कर लूंगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए और जानते हैं, नोटिफाई फॉर पेंडिंग अपडेट ऑन स्टार्टअप चेकबॉक्स चेक्ड ऑल प्लस P। आपका कोई भी अपडेट हो तो क्या आपको नोटिफिकेशन दिखना चाहिए स्टार्टअप, जब भी NVDA स्टार्ट हो और आपका लैपटॉप कंप्यूटर स्टार्ट हो, Space. इसको भी आप चेक नॉट चेक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। और देख लेते हैं, Allow the NVDA project to gather NVDA usage statistics checkbox checked. Allow NVDA project to user statistics, थोड़ा प्रोनंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है, बट फ्रेंड ये आपको ऑन ही रखना है क्योंकि आपका NVDA तभी अच्छे से चल पाएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है फ्रेंड। ओके बटन ओके ओके बटन, तो चलिए यहाँ पर हम सर्च विंडो कर देंगे, ऑटोमेशन प्रॉपर्टीज नेम बटन, हमारी सेटिंग यहाँ फोल्डर व्यू लिस्ट हो गई फ्रेंड। तो वोकलाइज आपको वीडियो पसंद आई हो 07:46 वीडियो को फाइल सिलेक्टेड सब मेन रिकॉर्ड चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करें, और वीडियो पसंद ना आई हो तो वीडियो को डिसलाइक करें, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड किसी Stop, tap, और CTRL.